अभी तो कभी तो आप बोल देते हैं कि अपना कर्म करो, केवल स्वधर्म का पालन करो, फिर कभी आप कह देते हैं कि न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, तो ज्ञान की इतनी प्रशंसा करने लगते हैं, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ऐसे संशय सबके जीवन में आते हैं ना। तो कभी स्वामी जी बोलते हैं, अभी आप लोग पढ़ाई करो, उस क्लास में जाओ, इस क्लास में जाओ, ये सिलेबस करो। फिर कभी बोलते हैं कि केवल ये पढ़ने से नहीं होगा, सेवा में लगो। बोल जी क्या करें, फिर सेवा करें कि पढ़ाई करें, या तो फिर सेवा हटा दो हमारी, तो हम पूरी मेहनत इसी में करेंगे फिर, ज्ञान की उपलब्धि में, या फिर ये ज्ञान आदि हमारे लिए रहने दो, हम अपने पूर्ण सेवा ही करेंगे। तो एक तो करो, दोनों में क्यों लगा रखा है, रस्साकस्सी हो रही है। तो ऐसे ही अर्जुन के मन में भी आ गया। तो अब ये 5वें अध्याय में उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला श्लोक बोलिए, संन्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च संशयसि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासं कर्मणां, कर्मों का संन्यास, आपने कर्म को छोड़ देने के लिए कहा, अभी अभी ज्ञान का वर्णन कर रहे थे ना, तो यहाँ इसमें 41 नंबर श्लोक में बोला ना, योग संन्यस्त कर्माणम, कर्मयोग के द्वारा कर्मों का संन्यास, कर्म संन्यास माने कर्मों को हटा करके, कर्मों का संन्यास करके। तो कहा संन्यासम कर्मणाम, कर्मों का संन्यास माने कर्मों को छोड़ देने के लिए। कृष्णः पुनः योगम च संशयसि, और फिर कभी आप योग का मतलब कर्म योग, कभी कर्म संन्यास की बात करते हैं, कभी कर्म योग की बात करते हैं, कभी कहते हैं निष्काम भाव से कर्म योग का पालन करो, कभी कहते हैं कर्म संन्यास, कर्मों को छोड़ो, हटाओ, ज्ञान में स्थित हो जाओ। यत श्रेय एतयो, एतयो तो अब इन दोनों में से निर्धारण में षष्ठी है यहाँ पर, एतयो यत श्रेयः, इन दोनों में से जो श्रेय है, श को छ हो रखा है, तन में एकम ब्रूहि सुनिश्चितम, वो निश्चित रूप से मेरे को एक बता दो, एक रास्ता बताओ। ज्ञान का रास्ता अलग होता है, कर्मयोग का रास्ता अलग होता है। तो एक बार आप कहते हैं कि तू कर्म में लग जा, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर्म करता जा, युद्ध कर, इनको मार। एक बार आप कहते हैं ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है, आत्मा का जो ज्ञान है वो ही इन संशयों का नाश करेगा, तो कह रहे हैं इन दोनों में से यत श्रेयम, जो श्रेष्ठ है मेरे लिए, जो कल्याणकारी है,
तन में सुनिश्चितम ब्रूही, वो निश्चित रूप से मेरे को बता दो। मेरे को तो पता नहीं मुझे किधर जाना चाहिए, आप हमारे गुरु हैं तो आप हमें बता दो कि हम क्या करें, निश्चित रूप से एक बता दो, दोनों में मत उलझाओ। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसौ निःश्रेयस्करौ उभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। करें देखो अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योगश्च, कर्म से ऊपर उठ जाना, यह है कर्म संन्यास। माने अकर्म की स्थिति में, अकर्म की स्थिति मतलब कर्म छोड़ देना नहीं, कर्मों में आसक्ति को तोड़ देना, निरासक्त होकर के कर्म करना या निष्काम भाव से कर्म करना। संन्यास कर्म योगश्च, संन्यास भी और कर्म योग भी, दोनों ही। निःश्रेयस करौ उभौ, दोनों ही निःश्रेयस करने वाले हैं, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। संन्यास भी कल्याण करने वाला है और कर्मयोग भी। एक तो सन्यासी होते हैं, एक गृहस्थी होते हैं जो कर्मयोगी हैं, एक सन्यासी हैं जिन्होंने सब छोड़ दिया है। तो कह रहे दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, निःश्रेयस करौ उभौ, दोनों ही निःश्रेयस करने वाले हैं। लेकिन थो भी आप कह रहे हो ना कि दोनों में से कोई एक बताओ, दोनों में से भी ज़्यादा फर्स्ट कौन सा और सेकंड कौन सा। तो कह रहे हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो कह रहे हैं तो भी उन दोनों में से भी यदि श्रेयस को जानना चाहते हो तो कर्म संन्यास से कर्म योग ज़्यादा विशेष है। ज्ञान से भी ठीक है, एक व्यक्ति को ज्ञान हो गया और वो समस्त आसक्तियों से ऊपर उठ गया, लेकिन उसको प्रयोग भी तो करना है। तो जब वो कर्म योग में लगेगा और उसको जिएगा तो वो उससे ऊंची स्थिति है। केवल मात्र जानने से वैसा जीना, ये ऊंची स्थिति है। तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ही बता दिया, तयोस्तु उन दोनों में, संन्यास में कर्म संन्यास और कर्म योग में कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग ज़्यादा श्रेष्ठ, वो ज़्यादा विशेष। तो इसलिए कर्म से भागने का तो तू विचार ही छोड़ दे, भागना ही नहीं है। दोनों में से एक पूछेगा तो भी मैं कहूँगा कर्म योग ही विशिष्ट है। जे यह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अब सन्यासी कौन है तो उसकी पहचान बता रहे हैं। ये तो आपको ना याद कर लेने चाहिए, दूसरा तीसरा ये दोनों श्लोक याद कर लो। जेय सनित्य सन्यासी, अर्जुन उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी ही मानना चाहिए, चाहे वो घर में रहता है, चाहे वन में रहता है, चाहे वो सफ़ेद ड्रेस में रहता है, चाहे वो लाल में रहता है, चाहे वो कैजुअल ड्रेस में रहता है, कैसे भी रहता है, उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी मानना चाहिए। किसको? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, ना तो किसी से द्वेष करता है और ना किसी से कोई आकांक्षा करता है, आसक्ति रखता है। तो ना द्वेष रखता है ना राग रखता है। जिस व्यक्ति के अंदर से ये दो चीज़ चली गई वो क्या है? नित्य सन्यासी है, फिर वो कहीं भी रहे। तो जो ना किसी से द्वेष करता है, न कांक्षति, ना किसी की कामना करता है, इच्छा करता है कि वो मेरे को मिले, निर्द्वंद्व, वो कैसी स्थिति में रहता है? निर्द्वंद्व, द्वंद्व की स्थिति में नहीं रहता है। जो मिल रहा है ठीक मिल रहा है मेरे को, और मुझे जो करना है वही मुझे करना है, जो मेरा ज्ञान मुझे अलाउ कर रहा है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, हे महाबाहु, वो कैसा होता है? निर्द्वंद्व होता है, और वो बंधात प्रमुच्यते और सुखम प्राप्यते। तो वो बंधनों से छूट जाता है सुखम, सरलता से, बड़ी सुखपूर्वक वो उन सारे बंधनों से छूट जाता है। कौन कौन व्यक्ति सरलता से छूटता है बंधनों से? जो किसी से राग द्वेष नहीं करता है। अब उसने भले ही दर्शन याद किए हो ना किए हो, भले ही वेद पढ़े हो ना पढ़े हो, चाहे उसके पास शाब्दिक रूप से डिग्री डिप्लोमा हो या ना हो कागज पत्र वाले, लेकिन जो अपने अंदर से
ना तो किसी से द्वेष करता है और ना किसी की कामना करता है, कोई राग द्वेष नहीं रखता है। राग से मैंने एक दिन बताया था क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं, राग से क्या क्या उत्पन्न होता है, लोभ, क्योंकि राग यदि पूरा होगा तो फिर और ज़्यादा भोगने की इच्छा होगी, तो लोभ हो जाएगा, लोभ के साथ साथ उन चीज़ों से मोह भी हो जाएगा, उन चीज़ों में आसक्ति भी हो जाएगी, तो एक राग के कारण तीन दोष और बढ़ गई। और ऐसे ही दोष से क्या क्या उत्पन्न होगा, जिस व्यक्ति से द्वेष है तो फिर उससे क्या क्या उत्पन्न होगा, उसको देखते ही क्रोध भी आएगा, उसको देखते ही ईर्ष्या भी होगी, उसको देखते ही वैमनस्य भी होगा, तो ये सारे दोष द्वेष के कारण हो जाएंगे। फिर क्रोध भी होगा, दुख भी होगा, वैमनस्य भी होगा, ईर्ष्या भी होगा, असूया भी होगा। तो जिसमें ये दो नहीं हैं तो फिर वो जड़ी नहीं है, तो फल फ्रूट कहाँ से लगेंगे। तो ये सारे राग और द्वेष का ही परिवार है, जितने भी हमारे अंदर दोष हैं ये इन सब का मूल जो रूट है, मूल जो जड़ है, वो राग और द्वेष ही है। राग मतलब हमारी कामनाएं, जिसको हम चाहते हैं, और द्वेष मतलब जिसको नहीं चाहते हैं। कुछ चीज़ों को चाहते हैं कि वो बनी रहें, कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। यदि सृष्टि है तो उसमें सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, पतझड़ भी आएगी, सावन भी आएगा, उसको रोक नहीं सकते ना कि केवल सावन सावन होना चाहिए, पतझड़ नहीं आना चाहिए जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। तो केवल दिन दिन रहना चाहिए, रात नहीं होनी चाहिए, जो पुरुषार्थी हैं वो ऐसा सोचते हैं, और जो सोने वाले हैं वो क्या सोचते हैं, रात रात बनी रहे दो चार महीना तो सोए ही रहे, फिर दिन हो ही ना, ना पढ़ना पड़ेगा, ना उठना पड़ेगा, ना व्यायाम ना प्राणायाम, रात ही रात रहे, ऐसा होता तो नहीं है, तो सब कुछ रहेगा। तो ये जो नित्य सन्यासी है ये ना तो किसी चीज़ से द्वेष करता है कि ये नहीं होना चाहिए, ना किसी चीज़ की कामना करता है कि ऐसा होना चाहिए, ये निर्द्वंद्व स्थिति में रहता है, इसलिए ये बड़ी सरलता से बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने के लिए ज़्यादा पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बंधनों से छूटने के लिए तो थोड़ा सा भी जो समझ में आया उसको जीने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा जो समझ में आया उसको जीने लगते हैं तो और आगे कैसे जीना है वो रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है जीवन का। कि कोई जंगल आपको पार करना है और आप यहाँ बैठे बैठे उसकी वो बना रहे हैं, एक रास्ता इधर से निकालेंगे, फिर इधर कुछ ऊंचा नीचा आएगा तो फिर हम इधर यू टर्न ले लेंगे, फिर इधर भी कोई खड्डा सा है, तालाब है, तो वहाँ से फिर रास्ते को ऐसे निकालेंगे, पूरे उस वन का आपने बना लिया है पेपर के ऊपर, तो वो वन पार हो गया क्या, वहाँ तो पहुँचे ही नहीं अभी, यहाँ बैठे बैठे पार कर लिया, और जब उसमें घुसे तो वहाँ तब तक तो बारिश आंधी तूफानों में आकर के परिस्थितियाँ कुछ की कुछ और ही मिली, तो जो घुस गया अब वापस आ नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा ये व्यक्ति, अब तो ये अपना रास्ता खुद ही निकाल लेगा, इसको पता भी नहीं है किधर यू टर्न लेना था, कहाँ वापस आना था, या राइट लेना था कि लेफ्ट लेना था, अब ये कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा, रास्ता पता है तो आसानी से निकल जाएगा, रास्ता नहीं भी पता है तो ये अपना रास्ता बना लेगा। तो जो महापुरुषों ने बताया ये रोड मैप है, उन्होंने बताया ऐसे जाना ऐसे जाना, पर जाना तो पड़ेगा ना। और मान लो किसी को नहीं भी पता ऋषियों के ज्ञान के बारे में, तो भी वो जैसे तैसे गिरता पड़ता ऊंचा नीचा होते 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 बाहर निकल ही जाएगा, पर महत्वपूर्ण तो चलना है, चला नहीं और केवल बैठ के योजना बना रहा है ये व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचने वाला है। जो चल पड़ा उसके साथ उसको रास्ते का भी पता हो तो आसानी से पहुंच जाएगा, लहूलुहान नहीं होगा, नहीं तो झाड़ियाँ लहूलुहान कर देंगी फिर। तो ये इसलिए ये हमें बता रहे हैं निर्द्वंद्व, वो निर्द्वंद्व की स्थिति में रहता है। मुझे ये शरीर किस लिए मिला है, कर्म करने के लिए मिला है, कौन सा कर्म करने हैं,
जो मेरे ज्ञान के अनुसार ठीक हैं, बस मैं अपने वो काम ठीक करता रहूं। बाकी कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या भावना रखता है, वो उनका काम है, मेरा नहीं है ना। ये सोचना उनका काम, उनको करने दो, मैं उस द्वंद्व में क्यों रहूं, मेरे बारे में लोग कैसी भावना रखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इनको कैसे ठीक करूं, इनके भावों को कैसे चेंज करूं। ज़्यादातर तो व्यक्ति उन्हीं द्वंद्वों में रहता है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, जी ये मेरे को ऐसा सोचते हैं, अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं ऐसा नहीं हूं। भाई ज़रूरत ही क्या है बताने की, मत बताओ, आप जीते जाओ, आपको जीवन दिया है ना भगवान ने, तो जो आपको समझ में आ रहा है, आपकी आत्मा जिसमें गवाही देती है कि मैं गलत नहीं हूँ, बस उसको जीते चले जाओ। आप अपना कर्माशय बनाते चले जाओ, अपने इसमें दूसरों के सामने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में अपना समय और शक्ति क्यों बर्बाद कर रहे हो? और आप करोगे भी तो उनको समझ में आ जाएगा, क्या गारंटी है, क्योंकि उनके अपने संस्कार हैं, उनको वही देखना है जो उनके संस्कार उनको दिखाएंगे। आप जो दिखाना चाहते हैं वो देखेंगे ही नहीं कभी भी। हम जीते जाएं तो ये व्यक्ति कैसे रहता है, निर्द्वंद्व, कोई द्वंद्व नहीं है, मुझे जैसे चलना है वैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे चलना चाहिए मतलब गुरु आज्ञा के अनुसार। इसमें उद्दंडता की बात नहीं है कि जी मेरे को जैसे चलना है मैं तो चलूँगा, जैसे चलना है मतलब गुरु आज्ञा अनुसार, शास्त्र आज्ञा अनुसार, आत्म आज्ञा अनुसार, वेद आज्ञा अनुसार, उसमें ये इतने प्रमाण हैं, जो वेद कह रहा है वैसे चलना है, गुरु कह रहा है वैसे चलना है, शास्त्र कह रहा वैसे चलना है, मेरी आत्मा कह रही है वैसे चलना है मेरे को, तो फिर ये कैसा रहेगा, निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व ही महाभाव हो, सुखम बंधात प्रमुचम, आसानी से बड़े सुखपूर्वक बंधनों से ये छूट जाता है, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और दूसरा व्यक्ति बड़ी कठिनाई से निकल पाता है, क्योंकि वो अपना ही एक वो बुन लेता है विचारों का जाल, अब उस जाल से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, अपने ही विचारों के जाल से। फिर आगे बताया, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग दो शब्द हैं ना, सांख्य का मतलब ज्ञान योग, बुद्धि योग, और योग का मतलब कर्म योग। तो कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म को, ज्ञान योग और कर्म योग को जो बालक बुद्धि वाले लोग हैं वो अलग मानते हैं, न पंडिता, पंडित लोग अलग मानते ही नहीं हैं, क्योंकि कर्म योग कब सिद्ध होगा, जब ये व्यक्ति ज्ञानी होगा, तभी तो कर्मों को कैसे करेगा, विकर्म और अकर्म की स्थिति में तभी तो ले जाएगा, निष्काम भाव से तभी तो कर पाएगा जब इसको ज्ञान होगा। और जो ज्ञानी है उसके ज्ञान की समाप्ति कहाँ होगी, कर्म में होगी, वो अपने उसको प्रैक्टिकल भी तो करेगा ना, कि मेरे अंदर इतना बल है तो मैं इसको उठा के देखूँ, 5 किलो उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता हूँ, तो उसका ज्ञान कहाँ समाप्त होगा, कर्म में। तो कह रहे ज्ञान और कर्म तो आपस में एक ही हैं, एक ही सिक्का है, एक ही सिक्के के इस पार्ट को ज्ञान कह दिया, इसको कर्म कह दिया, है तो एक ही ना। तो कह रहे इनको अलग अलग तो जो बालक बुद्धि के लोग हैं वो बोलते हैं, बाला पृथक प्रवदंती न पंडिता, ज्ञानी लोग उसको अलग नहीं मानते, वो तो एक ही मानते हैं। एकमपि आस्थित सम्यक, यदि इन दोनों में से किसी एक में भी सम्यक रूप से स्थित हो जाए व्यक्ति, या तो ज्ञान में ही स्थित हो जाए या तो कर्म में ही स्थित हो जाए, दोनों में से किसी एक में भी स्थित हो जाए, तो उभयोर फलम विन्दते, दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। या तो कर्म में स्थित हो जाए कि मुझे सभी कर्म कैसे करने हैं, ज्ञान पूर्वक करने हैं, श्रद्धा पूर्वक करने हैं, अनासक्ति पूर्वक करने हैं, एक कर्म भी ऐसा ना हो जो अज्ञान युक्त हो, अश्रद्धा से युक्त हो, या आसक्ति या कामना से युक्त हो, उसमें ठहर जाओ। और या तो ज्ञान में ठहर जाए व्यक्ति, एक क्षण के लिए भी वो अपने ज्ञान से नीचे ना उतरे, तो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है, दोनों में से एक में भी जो प्रतिष्ठित हो जाता है। दिक्कत ये है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो
बातें तो ज्ञान की करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको संसाधन सारे चाहिए। उनको रहने के लिए अच्छे मकान भी चाहिए, खाने के लिए अच्छा भोजन भी चाहिए, अच्छे फल फूल जूस आदि भी चाहिए, सेवा करने के लिए नौकर चाकर भी चाहिए, वो सब चाहिए। और हम बैठ करके केवल पुस्तक पढ़ेंगे और दूसरों को कहेंगे कि ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है और कर्म निकृष्ट है। तो निकृष्ट है तो फिर इन सब को हटाओ, आप अपने श्रेष्ठता में स्थित रहो, इन सब लोगों को मुक्त करो। तो बोल जिएंगे कैसे फिर, इनको मुक्त किया तो हमारा खाना कौन बनाएगा, हमारे यहाँ सफाई कौन करेगा। तो आपको कमरा भी साफ चाहिए, आपको भोजन भी चाहिए खाने के लिए, तो कोई तो बनाएगा। तो उसके कर्म की निंदा आप कैसे कर सकते हैं। कोई किसान खेती करेगा, सब्जी उगाएगा, अन्न उगाएगा, आपके पास लाएगा, फिर ये व्यक्ति बनाएगा, तब तो आप खाओगे। आप केवल ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो अपने ज्ञान को ही खाओ, अपने ज्ञान को ही फर्श पे बिछाओ, सफाई की क्या जरूरत, अपने ज्ञान को ही ओढ़ो, उसी में संतुष्ट रहो। नहीं बस सब कुछ चाहिए, पेड़ के नीचे बैठो फिर, और पेड़ भी क्यों चाहिए। तो ये हो ही नहीं सकता है, एक तरफा हम नहीं जी सकते हैं। एक तरफा केवल बौद्धिक ज्ञान में नहीं जी सकते हैं और एक तरफा अज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए भी नहीं जी सकते हैं, उसमें सुख नहीं मिल सकता है। तो दोनों का समन्वय बना करके ही जीवन में सुख मिल सकता है। एकम अपि आस्थित सम्यक उभयोर फलम विन्दते, एक में भी यदि ठीक से स्थित हो जाए तो दोनों के फल की उसको प्राप्ति हो जाती है। यत सांख्यई प्राप्यते स्थानम तद योगई अपि गम्यते। कह रहे हैं जो ज्ञान वाले, जो ज्ञानी व्यक्ति जिस स्थान को प्राप्त करते हैं वही स्थान कर्मयोगी भी प्राप्त कर लेते हैं, निष्काम कर्म के द्वारा, कर्म योग के द्वारा। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य और योग दोनों क्या हैं, एक ही हैं। यह पश्यति स पश्यति, जो इन दोनों को एक ही देखता है वही वास्तव में ठीक ठीक देखता है। बाकी लोगों की दृष्टि कैसी है, एक तरफा दृष्टि है, वो एक पक्ष को देखने वाले हैं, वो अधूरा देख रहे हैं अभी। तो दोनों पक्षों को देखने वाले ही वास्तव में ठीक ठीक देख पा रहे हैं। सिक्के के एक पार्ट को देखा और हमने अनाउंस कर दिया कि सिक्का ऐसा है, तो ये हमारा जो अनाउंसमेंट है ये कैसा है, अधूरा है, क्योंकि दूसरे वाला भाग तो देखा ही नहीं अभी हमने, वो भी तो सिक्के का ही भाग है ना। और दूसरे ने इधर से देखा, उसने अनाउंस कर दिया कि सिक्का तो ऐसा है, जिस पे एक लिखा है वो सिक्का है। दूसरे ने कहा जिस पे भारत माता का चित्र बना हुआ है या तीन शेर का जो वो बनाया हुआ है, वो जो चित्र बना है वो ही एक सिक्का है। तो इन दोनों का ही ज्ञान अधूरा है, पूरा ज्ञान है जिसने दोनों साइड को देखा है वो पूरा है। आगे चलिए। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगत। हे महाबाहो, हे अर्जुन, सन्यासः तु, ये जो सन्यास है ये तो दुःखम् आप्तुम् बड़े कठिनाई से प्राप्त होता है, जो ज्ञान वाला मार्ग है ना, क्योंकि इसमें सारी की सारी मेहनत खुद को करनी पड़ती है ज्ञानी को। तो इसलिए सन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहु, ये सन्यास योग अर्थात ज्ञान योग,
ये ज्ञान योग तो दुखम आप तुम अयोगत, अयोगत माने बिना कर्म योग के, बिना योग के माने बिना कर्म योग के, बिना कर्म योग के केवल जो ज्ञान वाला जो मार्ग है ये तो बड़ी कठिनाई से आगे ले जाने वाला है, बड़ी कठिनाई से ईश्वर की प्राप्ति करवाने वाला है। कर्म योग के बिना केवल मात्र जो ज्ञान वाला मार्ग है वो बड़ी कठिनाई से आप तुम प्राप्त होता है। योग युक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेण, लेकिन जो योग युक्त है माने कर्म योगी है, कर्म योगी मुनि ब्रह्मा उस ब्रह्म को न चिरेण अधिगच्छति, चिरेण माने देर से और न चिरेण मतलब शीघ्रता से, देर नहीं करता है। जो कर्म योग में लगा हुआ जो मुनि है वो उस ब्रह्म की प्राप्ति करने में न चिरेण अधिगच्छति, देर नहीं लगाता है अर्थात शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो दो रास्ते हैं ना जीवन के, एक शरणागति का एक ज्ञान का। तो शरणागति वाला रास्ता कैसा है, ज्ञान वाला रास्ता कैसा है, तो उसका उदाहरण दिया करते परमहंस। ज्ञान योग वाला है जैसे बंदर पकड़ के रखता है अपनी माँ को, बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, तो जिम्मेदारी किसकी है, बच्चे की है, माँ को नहीं पता कहाँ गिरेगा। आप टाइट पकड़ के रखो, आपने छोड़ा तो आप गिर जाओगे, माँ तो कहीं भी जाएगी कभी, उस डाल पे उस डाल पे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके प्रति। तो ये ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान मार्गी है वो कहाँ मेरे को कौन सा कदम रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब जिम्मेदारी उसकी है। और समर्पण का रास्ता ऐसा है जैसे कि बिल्ली का बच्चा, तो आँख बंद करके ऐसे पड़ा रहता है तो उसकी माँ उसको गले से पकड़ पकड़ के ले जाती है, उसकी दाढ़ इतनी पैनी है तो भी बच्चे को खून नहीं आता है, पकड़ती है तो ऐसे उससे पकड़ती है युक्ति से। तो कुशलता ही तो है कर्म की, चूहे को पकड़ती है तो उसी दांत से पकड़ती है, लेकिन कैसे पकड़ती है, उसको तो मार ही डालती है बेचारे को। और अपने बच्चे को पकड़ती है तो इतना सॉफ्टली पकड़ती है कि उसको उठा के उसको सात घर दिखा देती है पहले बिल्ली, कि ये तेरा साम्राज्य है, इधर घूमते रहना और जो भी दूध मलाई मक्खन जो भी मिले खाते रहना, तो उसको दिखा देती है। तो जिम्मेदारी यहाँ माँ की है, वो तो आँख बंद करके ऐसे बैठा है, तो ये समर्पण का मार्ग है। तो सबके अलग अलग संस्कार हैं, कुछ के भक्तिपूर्ण संस्कार हैं तो वो समर्पण के मार्ग को अपनाते हैं, लेकिन समर्पण का मार्ग भी इतना सरल नहीं है जैसा हमें लग रहा है। जिसके जो संस्कार होते हैं उसको वो सरल लगता है, ज्ञान के संस्कार हैं तो उसको लगता है कि भाई ऐसे आँख मूंद के कैसे बैठा जाए, जो ठीक लगेगा वही तो मैं करूँगा, तो मेरे लिए तो ज्ञान वाला ठीक है। अब जिसके भक्ति के संस्कार हैं बोले भाई क्या ठीक है क्या गलत है, इस झंझट में कौन पड़े, तो हम तो अपने ईश्वर आश्रित रह करके जो वो देगा उसमें संतुष्ट रहेंगे, ये समर्पण का मार्ग है। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है, समर्पण वालों के जीवन में जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो फिर वो नाराज हो जाते हैं, गुरु से भी नाराज हो जाते हैं, भगवान से भी नाराज हो जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया था जो आपने मेरे को ये दंड दिया। तो उस समय हमारा समर्पण टूट जाता है, फिर तो समर्पण में क्वेश्चन उठाने की गुंजाइश नहीं है, आप पूछ नहीं सकते हैं ईश्वर से या गुरु से या माता पिता से कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये पूछने का हक भक्त को नहीं है, सेवक को नहीं है, समर्पण वाले को नहीं है। समर्पण का मतलब ही ये होता है बिना शर्त का समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं आप। और ज्ञान वाला भी कठिन पड़ता है, ज्ञान वाला कठिन कब पड़ता है बोल जी, अब इसके बारे में हमें कैसे पता, अब ईश्वर ही जाने। तो आपने तो अपनी जिम्मेदारी ली थी तो आप स्वयं सुलझाओ अपनी समस्या को। तो दोनों ही कठिन पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि, पर देखना ये कि हमारे संस्कारों का आधिक्य किधर है, तो वो ही रास्ता फिर हमें अपनाना चाहिए। एक संघर्ष का है एक स्वीकार का है।
हमारा जो जीवन है उसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो संघर्ष करो, जो परिस्थिति आपको पसंद नहीं है संघर्ष करो और उनको हटाओ अपने जीवन से, या फिर जैसी भी है उसको स्वीकार करो। ये बीच में रोना रोने वाली स्थिति है, ये कहीं नहीं पहुंचाएगी। यहाँ तो ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, ऐसे चर्चा करते रहते हैं। आपकी इस चर्चा का निकलेगा क्या परिणाम, क्या है रिजल्ट, क्या है? या तो इनको हटा दो अपने पुरुषार्थ से, अपने संघर्ष से, और या जैसी हैं उनको स्वीकार कर लो। दो ही मार्ग हैं केवल, तीसरा मार्ग नहीं है, और हम ज़्यादातर जीते हैं तीसरे वाले में। जब भी बैठें तो अंदर से कुछ ना कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ ना कुछ कुंठाएं होती हैं, कुछ ना कुछ दूसरे के बारे में ना कुछ बोलते ही रहते हैं जी, क्या करें, ऐसे होता है, क्या करें। तो ये वाली स्थिति सबसे ज़्यादा हमारी शक्तियों का ह्रास करती है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए ख़राब है ये। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इनमें जो कर्म योग वाला रास्ता है, शरणागति वाला रास्ता है, ये अपेक्षाकृत सरल पड़ता है, इसमें जल्दी अचिरेण अधिगच्छति, न चिरेण अचिरेण, अर्थात शीघ्रता से उसको प्राप्त कर लेता है। तो इसको, इस प्रसंग को और कल अच्छे से समझाएंगे। अभी समय हो गया, पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओ शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।